हाँ जी, तो आज हमारा चौथा दिन है इधर, और क्रोशिया में दूसरा दिन। अभी हम लोग जो है वो थोड़ी ही देर में एक सिटी है पोरेच, उधर निकलेंगे। ये जगह जो है यहाँ से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के फासले पर है। अगेन हम लोगों को घंटा एक लगेगा। मैं मैं ये अभी हम लोग जो है पोरेच में आए हैं। ट्रैक्टर स्टोरी, ये एक म्यूज़ियम है। यहाँ पे सुना है कि जो है पुराने से पुराना ट्रैक्टर और फिर शायद नए से नया भी हो। लेट्स गो एंड सी द ट्रैक्टर फ्रॉम इनसाइड। एम ये बेसिक्स जो है बिल्कुल स्टार्ट के अर्ली के ट्रैक्टर्स आप कह लें। डंडा लगा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये पुश करते होंगे खुद से या जानवरों से। और ये आप देखें, बिल्कुल बेसिक बगैर इंजन के, ये बंदे के बैठने की जगह। ये अब यहाँ पर जो है पहला जनरेटर वाला जो है वो जनरेटर इंजन के साथ ट्रैक्टर। इसमें बिल्कुल साइकिल की तरह जो है एक साइड पे आई थिंक क्लच है और दूसरी साइड पे जो है रेस। ये देखें, ये भी ट्रैक्टर। ये अब एक ट्रैक्टर है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसमें बड़ा इंजन इसका पीछे, और इसमें ड्राइवर जो है वो आगे बैठता है। कुछ मॉडर्न ट्रैक्टर्स की तरह इसमें लुक है, इसमें बल्कि प्रॉपर इंजन लगा हुआ है। पहिए समहाउ इसके भी जो हैं बगैर रबड़ के हैं, या तो उतारे हुए हैं या ये जगह ही ऐसी थी या ये पहाड़ों वगैरह पे यूज़ करने के लिए। लेकिन इसका इंजन चेक करें आप, लोहा ही लोहा है जी। अंदाज़ा करें कितना भारी होगा। ये अब हाथ वाला ट्रैक्टर है। इसमें जो है बैठने की ड्राइवर की जगह नहीं है। आप जो है यहाँ से इसको जो है लीवर से उठाते हैं और फिर जो है बेसिकली जिस तरह बैल आगे होते हैं तो बैल की जगह भी ये मशीन है ट्रैक्टर की। ये थ्रेशर बेसिकली, इसमें जो है ये जो फ्रंट बना हुआ है यहाँ से ये गंदम डालते होंगे। और इवन देखें चेन भी बनी हुई है, और ये चेन जो है वो मोटर के साथ अटैच है। मतलब जो है ये अंदर गरारियाँ बनी आपको नज़र आ रही होंगी। ये है जी रीपर बाइंडर, ये बेल वगैरह बनाने के लिए। तो ये इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है कि किस तरह ये जो है घास काट के ये बेलें बनती थी इस मशीन के साथ। क्या सो ये देखें जी, ये भी एक जो है वो ट्रैक्टर है। ये वैसे पता नहीं ये चलाते कैसे होंगे, क्योंकि ये लोहे की जितनी बड़ी मशीनरी लग रही है, इमेंस पावर चाहती हो लगती होगी इसको चलाने के लिए भी। और इसका आप हल वाला जो है वो देखें कितना वो बड़ा है। एक ये जी FAPGJ800 डीजल मोटर है इसकी,
6400 किलो इसका जो है ना 6.4 टन जो है इसका जो है वो वज़न है इस जवान का, और सिर्फ 120 हॉर्स पावर जो है ना वो इसकी ताकत थी। लेकिन इसका जो है वो अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि ये इसका क्या काम है ट्रैक्टर म्यूज़ियम में। टैंक ही है ऑलमोस्ट। अंदर से देखें कि अंदर से कैसा है। दबाव हुआ है। एक चेक करें ये घर का घर और जो है समा, और ये कोई मशीनरी है। अभी मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में कि ये क्या है। लेकिन देखें कि 1955 में भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इस तरह के ट्रैक्टर्स बनना शुरू हो गए थे। लाइन में जो है आई थिंक 1950-60s के जो हैं वो ट्रैक्टर जो हैं आजकल जिस तरह हम ट्रैक्टर देखते हैं ये वो लगे हुए हैं। 50s-60s में जो है ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ये वाला जो ट्रैक्टर है ये तो मुझे आज भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गुड्डू में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता हो। ये एंट्रेंस होगी जो है वो गंदम की, और फिर इसको जो है वो हाथ से दो बंदे चलाते हैं, एक जो है इधर से चलाता है और एक बंदा जो है इधर से। मैनुअल था ये बिल्कुल, तो फिर नीचे जो है वो दाने गिरते होंगे। ये एक नया या उससे आगे का मॉडल। फिर जो है ये जनरेटर आगे, और जनरेटर से जो है ये पुली बेस जो है वो काम होने लग गया। ये पिक्चर में देखा जा सकता है इस तस्वीर में कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया दो बंदे जो हैं वो चलाते थे। ये जनरेटर चेक करें आप थ्रेशर को चलाने के लिए, इसकी चिमनी जो है कितनी ऊंची है। आई थिंक बहुत ज़्यादा धुआं जो है ये निकालता है जिसकी वजह से इसका जो है ना चिमनी बहुत ऊपर करके बनाई गई है। ये उससे पुराना मॉडल पड़ा हुआ है। ये फोर्ड का ट्रैक्टर फोर्डसन एफ, मेरा ख्याल में ये फोर्डसन ही है जो बाद में शायद फोर्ड बना है, मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है। ये रबड़ के टायर, ये देखें इसको जो है वो लोहे के अंदर इस तरह पैच लगा के डाला हुआ है। ये भी एक नट लगाया हुआ है, और ये वाकई जो है ये पिछली साइड पे जो है ये नट बोल्ट से नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली रबड़ को पैच किया हुआ है लोहे के फ्रेम के साथ। फ्रंट जो है फ्रंट पे उन्होंने कोई रबड़ नहीं लगाई हुई, बल्कि ये दरमियान से जो है वो लोहे की एक लाइन बनाई हुई है ताकि ये फ्रिक्शन कम से कम हो। कार्बोरेटर की हालत जो है वो अब जवाब देगी, और ये लीवर आई थिंक जो है इससे जो है ये चलाते थे, स्टार्ट करते थे इसको घुमा के इस तरह से लाइव। वर्किंग जी इसकी और यहाँ पर जो है इस इमेज से ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है बिल्कुल स्टार्ट जो था 4000 केजी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए ग्रेन 80 घंटे जो है वो लगते थे मैनुअल से। उसके बाद जो है जब इम्प्रूव हुआ ये इसके साथ
तो फिर जो है टाइम रिड्यूस होकर 4 घंटे रह गया। फिर जो नेक्स्ट जो है वो एवोल्यूशनरी मशीनरी में वो इस टाइप की थी, तो इसमें जो है 4000 kg जो है वो 2 घंटों में जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और फिर ये हार्वेस्टर के साथ एक ही बंदा यूज़ करके सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो है चीज़ जो है वो बना सकता है। ये ज़रा थोड़े से मॉडर्न या डिफरेंट ट्रैक्टर्स, और चेक करें कलर, चेक करें ब्लू। इसके बाद ये मैन कंपनी का जर्मनी, वो जर्मन ट्रैक्टर जी, वो भी मैन कंपनी का डीजल 1870 तो है, ये ग्रीन कलर में। ये QT 200, ये रशियन ट्रैक्टर। रशियंस की ज़्यादातर मशीनें जो हैं ये इस तरह ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं लाइट ब्लू इसमें आती होती है। अक्सर मैंने जो है वो इनके ट्रैक्टर्स देखे हैं जो पुराने टाइम के हैं वो इस कलर में आते हैं। इसके बाद ये ट्रैक्टर है, ये इटालियन मॉडल है, ओटो मेलारा 1.4 टन का 1953 से 1957 में। फिर ये भी इटालियन मॉडल है फियात का 25C, ये फियात 600 इटली 1949, ये फियात 18 1958, ये डोइट्स कोलन जर्मनी का ट्रैक्टर 1951, ये मानहाइम जर्मनी में बना हुआ ट्रैक्टर जी लांस बुलडॉग, ये भी लांस बुलडॉग, ये भी जर्मन मानहाइम 1958, 2 टन का ट्रैक्टर है जी, 28 हॉर्स पावर डीजल के साथ। ये खैर ट्रैक्टर आई थिंक स्टार्ट में है आए डीजल, अभी भी खैर डीजल ही ट्रैक्टर है, पेट्रोल तो मैंने नहीं सुना। ये भी लांस बुलडॉग मानहाइम जर्मनी से। ये अब फ्रेंच मॉडल है 1951 का, 3.3 टन जो है वो इसका वेट है और सेमी डीजल। अब ये नहीं पता कि सेमी डीजल का क्या मतलब है, कि ये थोड़ा आधा डीजल से और आधा भाप से चलता है या क्या सिस्टम है, ये कोई आइडिया नहीं। ये पोर्शे का ट्रैक्टर देखें जी, जर्मनी का 1962 का, क्या बात है वैसे। तो इन लोगों का डिज़ाइन देखें, उस वक़्त भी इन्होंने जो है इसको लुक जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स ट्रैक्टर की दी है, अमेजिंग। पोर्शे इज पोर्शे। और लेदर सीट के साथ स्पोर्ट्स सीट। ये मेरे पीछे जो है ये आपको फिरारी का ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, बड़ा कॉम्पैक्ट मॉडल बनाया हुआ है इन्होंने 1953 का। ये है जी ट्रैक्टर स्टोरी, अमेजिंग। यहाँ पे वैसे डिस्प्ले है ट्रैक्टर्स का, मुख्तलिफ ट्रैक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में इकट्ठे किए हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी वाइज बताया गया है कि किस तरह चीज़ें इवॉल्व हुई, किस तरह उन्होंने जो है वो मैनकाइंड की जो है वो इसमें जो है वो हेल्प की, और लेबर जो है उसका किस तरह जो है वो रोल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता गया। ज़बरदस्त। यहाँ भी ट्रैक्टर म्यूज़ियम में भी ऑलिव के ट्री लगे हुए हैं। इस पूरे रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा ऑलिव की प्लांटेशन है, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं। या ट्रैक्टर्स, such a big tractor. ये वैसे बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है।
What do you see the camera? There is the camera, there is a picture.